नमस्कार। जय गुरुदेव, जय स्वामी समर्थ, ओम साई राम। मैं आनंद पिल्लई, मैं एक NRI हूँ। आज मैं आपके साथ सुरस्वामी गुरुकुल का अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, और मैं सुरस्वामी गुरुकुल का एक स्टूडेंट हूँ। संगीत सीखना, वोकल सिंगिंग सीखना, ये मेरा एक पैशन था, बहुत पहले से मेरा एक पैशन था। और उसी दौरान मैं काफ़ी भटकता रहा, काफ़ी सारे मैंने क्लासेस मैंने देखे और मैंने ट्राई किया, और लास्ट में मुझे सुरस्वामी गुरुकुल के माध्यम से मुझे मेरे गुरुजी मिले। वो खाली सर ही नहीं है, वो एक अलग व्यक्ता है। और गुरु और शिष्य का जो नाता होता है वो अद्भुत तरह से वो निभाते हैं। और दूसरा, संगीत जगत में, कोई भी प्रोफेशनल जगत में, सही गुरु मिलना शिष्य को एक बड़ी चुनौती होती है। और आज मेरी ये चुनौती सफल हो गई, क्योंकि मुझे सही गुरुजी मिले वोकल संगीत के लिए, जिसका ज्ञान एकदम समुद्र की तरह है। आप कितना भी पानी वो समुद्र से ले, वो कम नहीं होता। वैसा है गुरुजी का नॉलेज, गुरुजी का ज्ञान संगीत के बारे में। और गुरुजी की एक विशेषता यह है कि गुरुजी का ज्ञान तो अद्भुत है संगीत के बारे में, और उनकी जो जीवन यात्रा जो संगीत के लिए, वो अद्भुत है। पर गुरुजी हमारे लेवल पे आ जाते हैं और चीज़ें एक कैप्सूल के माध्यम में, जैसे कि एक जड़ी बूटी है, आपके लेवल के हिसाब से वो देते हैं और इतना सरल बनाते हैं चीज़ों को। और जैसे हम सोचते हैं कि अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, मैंने जुलाई 2023 में स्टार्ट किया था गुरुजी के साथ सीखना, और मुझे ही यकीन नहीं होता था कि मैं इतना मेरे स्वरों में इतना मेरे वॉइस में चेंजेस आएगा। गुरुजी की एक एक जो टेक्निक है बहुत अद्भुत टेक्निक है, और मुझे भरोसा ही नहीं होता था मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं लेट नहीं हो गया सीखने के लिए। क्योंकि गुरुजी के पास जो बच्चे जो सीखने आते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 साल से लेके मैंने 60-70 साल के बच्चे भी देखे गुरुजी के पास। और गुरुजी एक ऐसी कम्युनिटी तैयार कर रहे हैं, संगीत के साथ साथ कॉन्फिडेंस टेक्निक, ज़िंदगी को कैसे जीना भी, एक आध्यात्मिक यात्रा कैसी होती है संगीत के साथ, उसका भी ज्ञान आपको सुरस्वामी गुरुकुल में हमारे गुरुजी और मेरे गुरुजी संजय पटकी सर से आपको प्राप्त होगा। और दूसरी बात, जो टेक्निक जो होती है गाने की, बहुत सारे सिंगर्स जो गाते हैं गले से, कोई गले का उपयोग करते हैं, कोई हेडटोन का उपयोग करता है, तो गुरुजी ने वो तफावत हमें सिखाई, और मुझे काफ़ी मेरी सिंगिंग, मेरी वोकल क्वालिटी मेरी बहुत प्योर हुई है, बहुत अच्छी हुई है। और कब गले से मेरी आवाज़ कब मेरे मुख में पहुंच गई, जो गुरुजी ने मुझे बोला था स्टार्टिंग में, ये होगा, ये ज़रूर होगा, आप करते जाओ। मेरा जो मोटो है वो भजन के लिए और भक्ति भजन के लिए, और मैं मेरे सभी दोस्तों को जो संगीत प्रेमी है, जो सीखना चाहते हैं, जिसको पैशन है, जुनून है, मुझे लग रहा है सही गुरु चुनना वो बहुत महत्व रखता है। क्योंकि गुरु जो ज्ञान है, गुरु ही आपको मार्गदर्शन दे सकता है, और गुरु ही अपने बच्चों को समझ सकता है, वही अपनी नफ्स को समझ सकता है कि बच्चे किधर कंफ्यूज है। तो मेरे सभी मित्रों से मेरा यही आग्रह रहेगा कि अगर आपको पैशन है, अगर आपको जुनून है, तो सुरस्वामी गुरुकुल, हमारे गुरुजी संजय पटकी सर, वो एक सही माध्यम रहेगा, एक सही दिशा मिलेगी वोकल क्लासेस, सिंगिंग क्लासेस के लिए। जय गुरुदेव, जय स्वामी समर्थ, ओम साई राम। नमस्ते दोस्तों, हम RJ संजीव और दिल्ली रेडियो स्टेशन और अमेरिकन रेडियो स्टेशन से मैं बहुत साल से जुड़ा रहा, और संगीत में रुचि रही है तो थोड़ा बहुत लाइट म्यूज़िक में किया करता था, मगर कुछ साल पहले ही अचानक गले में बहुत दिक्कत हुई, और लैरिंगोलॉजिस्ट हैं दिल्ली के बहुत फेमस, उनको दिखाया था, उन्होंने बताया कि अफोनिया और परिस्थेनिया इस तरह की प्रॉब्लम्स रही हैं। And when I went through some other tests by some ENT specialists, then they said कि भाई कुछ वोकल फोल्ड्स में ना गैप्स हैं, तो इट वॉज सो शॉकिंग फॉर मी कि भाई मेरा म्यूज़िक बंद हो रहा है और मैं गा नहीं पा रहा हूँ। तो ये सिलसिला चल रहा था और मैं किसी अच्छे गुरु की तलाश में भी रहा काफ़ी साल से, तो अचानक फेसबुक पे मुझे एक रील मिली जिसमें सबसे पहले संजय पटकी सर को मैंने उसमें कुछ बताते हुए सुना, एंड आई वाज टोटली शॉक्ड कि मुझे लगा कि वो एक यूजुअल
टीचर नहीं है क्योंकि प्योर साइंटिफिक वे में वो अपनी बात कह रहे थे और सरप्राइजिंगली मेरी कुछ अपनी फाइंडिंग्स भी थी म्यूज़िक के बारे में, बहुत ज़्यादा कंसल्ट कर रही थी, मैच कर रही थी, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा था। और बीच में एक दो बार मुझे कुछ और वीडियोस मिली जिन्होंने जिसमें उन्हें बताया था कि किस तरह से हम रियाज करें, किस तरह से हम गाएं, और विद प्रैक्टिकल वो हमें बता रहे थे। अचानक मौका लगा कि संजय सर की एक वर्कशॉप है, तो मैंने सोचा कि लेट मी ट्राई। तो सर की वर्कशॉप मैंने अटेंड की एंड दैट वॉज जस्ट द एन अमेजिंग आई मीन एक्सपीरियंस फॉर मी। उस डेढ़ दो घंटे की वर्कशॉप में उन्होंने संगीत से जुड़ी हुई इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी भ्रांतियाँ हम लोगों की दूर की। आई वॉज टोटली ब्लैंक ऑन दैट पर्टिकुलर डे कि इतने साल से हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं और जो गलत तरह से हम रियाज कर रहे हैं, गलत तरह से म्यूज़िक के बारे में सोच रहे हैं, तो शायद वो तो रास्ता हमारा था ही नहीं, और इतने साल से हम इसी तरह से चीज़ें करते आ रहे थे। तो फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और फिर मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं सर की क्लासेस अटेंड कर पाऊँ। और पिछले 4 महीने से मैं सर से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, और इस बीच जो भी सर ने मुझे बताया है रियाज के बारे में, टेक्निक्स जो भी हैं मैंने फॉलो की हैं, एंड आई एम जस्ट डूइंग माय मॉर्निंग रियाज एंड इवनिंग एज वेल। तो पिछले 4 महीनों में मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। और सर के बारे में देखिए मैं क्या कहूँ, मैं मेरे पास ऐसे शब्द नहीं हैं। सर एक ही क्लास में आपको प्योर साइंटिफिक वे में चीज़ें बताते हैं, उसमें कब अध्यात्म की तरफ वो आपको ले जाए, कब बेसिक साइकोलॉजी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं कब वो आपको क्लियर करा दें, और रियाज के बारे में इतनी बारीक चीज़ें हैं, बहुत इतना ईजी वे में वो समझाते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि क्या म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक खासकर, इतना आसान भी हो सकता है कि किसी भी एज का आदमी उसे सीख सकता है। तो मुझे समस्या गले में रही है, मैंने सर से बात की, तो सर ने मुझे कहा कि आप कुछ दिन रियाज करो और फ़र्क देखो, अगर आपको फ़र्क लगता है आप कंटिन्यू करो। ये एक मेरा केस था, ऐसे बहुत सारे अनगिनत केसेस मैं उन्हीं सारे ग्रुप्स में, उन्हीं क्लासेस में देख रहा हूँ। अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, स्त्रियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, जवान भी हैं, अलग अलग प्रोफेशन के हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सब लोग हैं, और सब विद इन ईयर और टू, एक या दो साल में ही सीखने के बाद इतना कमाल कर जा रहे हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि हम लोग यहाँ दिल्ली या आसपास की जगहों पे 8-10 साल हम लोग सीखते रहे हैं और एक लेवल से ज़्यादा हम बढ़ नहीं पाए हैं, मगर 4 महीने में देखिए मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ। तो मैं पर्सनली आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपका थोड़ा सा भी म्यूज़िक में इंटरेस्ट है और अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत कम वक्त के अंदर आप कुछ इम्प्रूव करें संगीत में, तो एक बार सर को ज्वाइन कीजिएगा। ध्यान रहे कि अगर आप में थोड़ी सी भी प्यास है तो इस वक्त हम एक बहुत महासमुद्र के पास हैं। अगर ये अपॉर्चुनिटी भी अगर आप मिस कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा। जहाँ तक मेरी अपनी बात है तो मैंने सर से बहुत पहले बोल दिया था कि सर अब तो आखिरी सांस तक मैं आपके चरणों में हूँ, तो दोस्तों मेरे लिए शुभकामनाएं आप दें कि मैं अच्छे से सीख पाऊँ, और मैं भी आपके लिए शुभकामनाएं रखता हूँ कि अगर आप वाकई संगीत साधक बनना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा सीखना चाह रहे हैं, और भ्रांतियाँ जो संगीत जगत में फैली हुई हैं अगर आप उससे निकल कर एक नई रोशनी में जाना चाहें, तो प्लीज काइंडली जॉइन सर एज अर्ली एज पॉसिबल। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है भिकाजी नाईक, पंडित संजय पत्की सर के स्वर स्वामी गुरुकुल का मैं एक शिष्य हूँ। मैं 3 साल पहले यहाँ पे ज्वाइन हुआ था, जब मैं यहाँ पे गाता था कालीचार के मंदिर में और पूरा गले से गाता था। 99 से मैं गाना सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने गांधर्व में भी 7 साल हारमोनियम विशारद का कोर्स किया है, फिर भी आत्मसंतुष्टि नहीं थी। जय कोरोना बाबा की, जहाँ पे वक्त मिला लॉकडाउन में और मैंने सर की वीडियो देखी, उनकी एक बात मेरे दिल में छू गई कि गाने का और गले का कुछ संबंध नहीं है, क्योंकि मुझे अब तक ये बोला गया था तुझे गला नहीं तो गा नहीं सकता है। और गला तैयार करने के लिए मुझे पहले गुरु ने यहाँ पे गाने के लिए बोला, खर्जे के लिए याद करो, खर्जे के लिए याद, ये जो है ना काली चार का मंदिर उसमें गाओ। और सनी तो सीधा डिशअप से चालू किया, हमारा ऑनलाइन क्लासेस चालू है, मतलब वहाँ से चालू है, हमारा पहला बैच था। सर का टेक्निक एकदम ही अलग है, स्वर परफेक्ट करो, स्वर के पीछे लगो, नाक तो आते रहेंगे, इसमें क्या स्वर 3 में 6, 4 में 24, ये उनके पलटे का रियाज है, कोई भी पलटा रिपीट नहीं होता है। और रियाज करो,
प से प, ये प शुरुआत में मुझे ये प जो है ना प प इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। प आज 20 साल पे गंदार तक में इजीली जाता हूँ। ये श्री गुरु जी की मेहरबानी है, उनकी कृपा है, उन्होंने मुझे वचन दिया है कि वो मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं उनके चरणों में पढ़ा रहूंगा। गुरु कृपा उस पर हमेशा बनी रहे। बहुत भाग्यशाली हम लोग स्वर स्वामी वाले, ऐसे गुरु जी हमारे साथ है। बहुत कुछ सीखना है उनसे, उनके जैसा अहंकार गाना है मुझे, वो उनके जो ताने हैं, ताने के प्रकार, घसीट, जो सब प्रकार है वो सब सीखना है। कुछ जल्दी नहीं, मुझे सिर्फ आत्मसंतुष्टि चाहिए, आत्मशांति और गुरु कृपा। जय गुरुदेव।